इतना ज्यादा इसने इंतजाम कर रखा था पहले से। चौंक गई क्योंकि मैं बता रही थी आपको कि मेरी 100 की केक कट का भी सीन है माशाल्लाह से। Hey guys, assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Zeba Khan Malik Family Vlog। तो guys, good morning, और मेरी good morning हो रही है किचन में क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और दानिश गए हुए थे अम्मी को हॉस्पिटल लेकर। तो दानिश आते के साथ ही उनका फेस बड़ा वीक हो रहा था क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि नाश्ते का तो टाइम भी नहीं है, तो मैं जल्दी से गर्म गर्म रोटियाँ बना देती हूँ, तो आप जल्दी से खाना खा लिएगा। आलू गोश्त बनाया मैंने बड़ा ही यम्मी यम्मी करके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गाइस, मेरे नेक में भी पसीने चल रहे हैं, मैं पूरी पसीनों में नहाई हुई हूँ क्योंकि जब शूट कर रही होती हूँ ना उस टाइम फैन ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या हो गया जैन? जैद देख लो बेटा क्यों रो रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इसलिए मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ता है, तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। देखिए आप, तो यहाँ मेरी रोटियाँ बन रही हैं और दो रोटियाँ भी और बची हैं, बाकी की रोटियाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना ली हैं खैर से। तो गाइस, मैं जल्दी जल्दी से ये दो रोटियाँ भी फिनिश कर लेती हूँ, फिर मैं जल्दी से नानिश को, बच्चों को, अम्मी डैडी को, इन सबको खाना खिला देती हूँ। मिलते हैं आगे वीडियो में। गाइस, मैं बना रही हूँ आलू गोश और जल्दी से मैंने गोश रख दिया है पकाने के लिए। और ये रहे हमारे आलू, मैंने आलू की कटिंग करके भी रख ली थी। और ये जो पीछे से साउंड आ रहा है ना हल्का हल्का, ये इसका साउंड आ रहा है कि मैंने फिल्टर में से पानी लिया है ना, तो इसलिए इसमें इसकी मोटर चालू हो जाती है एकदम से, तो इसलिए इसकी आवाज़ आ रही है। तो गाइस, जल्दी से अब मैं कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब ये भुनने पर आएगा। तो गाइस, हमारे कुकर में सीटी आ रही है और ये पहली सीटी है, और अभी तो बहुत सारी सीटियाँ लेनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं गोश्त चेक करूँगी कि गल गया या नहीं। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मैं पूरी पसीनों में हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैं सामने से अपना शूट नहीं करूँगी इस टाइम। मैं अभी पहले अंदर जाती हूँ, उसके बाद में शूट करूँगी इंशाल्लाह। तो गाइस, हमारा गोश्त बिल्कुल भुन रहा है और बिल्कुल तैयार हो गया है भुन के। तो मैंने इसकी गैस हल्की कर दी थी थोड़ी सी, ये हड्डी वाला गोश्त लेकर आए थे दानी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है हड्डियाँ चूसने में। तो लगभग हमारा गोश्त बिल्कुल भुन के तैयार हो ही गया है, तो अब जल्दी से मैं इसमें आलू वॉश कर डाल देती हूँ, उसके बाद में बस दो सीटी लगेंगी और हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा गाइस। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसके अंदर बहुत ही ज्यादा, जब भुनने पर आता है ना सालन तो बड़ा मजों का लगता है। तो गाइज, मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी भी डाला है क्योंकि शोरबे के बिना तो आलू गोश्त बन ही नहीं सकता, इसके मज़े ही नहीं हैं। इसके मज़े तभी हैं तब इसके अंदर अच्छे से शोरबा होना चाहिए, तो बहुत ही मज़ों का लग रहा है। मैं जल्दी से इसका नमक चख लेती हूँ एक बारी, तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक अभी ऐड कर दूंगी क्योंकि बनने के बाद तो अगर इसको चलाऊंगी तो इसकी तरी इधर उधर हो जाती है ना, तो इसलिए मैं अभी नमक चख लेती हूँ इसका।
तो गाइज मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है और अब बस मैं इसमें दो सीटी लूंगी और उसके बाद हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया सबने और मैंने खिला दिया, मैंने भी खा लिया। तो मैंने बताना मतलब मुझे याद नहीं था कि शाम में मुझे जाना था अपनी फ्रेंड के घर पे, उसने मुझे इनवाइट किया था ईद पे, लेकिन दावतें चल रही थी इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी तो जा नहीं पाई थी। फिर मैंने उसको इनवाइट कर लिया था, फिर उसकी तबीयत भी ऐसी ही चल रही थी, तो उसने मौसम अच्छा होने का वेट किया और उसने मुझे कल फ़ोन किया था रात में कि मैं आज उससे मिलने के लिए आऊँ। तो मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह, क्या नाम है, बच्चों को ट्यूशन वगैरह सब करवा दिया, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाई ज़्यादा सा और खाने वगैरह का भी। तो गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ उसके घर पे और इंशाल्लाह मैं उसके बाद में वहीं पर ही शूट करूँगी। तो मिलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ रुखसार के घर पे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अकेली नहीं आई हूँ, आज मैं अपनी पूरी पलटन को साथ लेकर आई हूँ, जैसे कि छोटी और रुकैया, जैद, यावर, ये सब लोग इधर बैठे हैं और यहाँ बैठी हुई है रुखसार। मैं इसी से मिलने के लिए आई थी क्योंकि इतने दिन से ये मुझे बुला रही थी, मैं आ नहीं पा रही थी किसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दावतें चल रही थी और फिर मेरी बच्ची की तबीयत भी सही नहीं थी इसकी, तो इसलिए हमने आज सोचा कि हम आज मिलेंगे। और मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने घर से निकलने से पहले बताया क्योंकि सुबह से मैं इतना ज़्यादा कामों में लगी हुई थी ना कि मैं भूल गई थी। और जैद दावर जैन बाहर है, वो वहाँ पे बाहर खेल रहे हैं क्योंकि इसने पाल रखी है कैट्स बहुत ही प्यारी प्यारी सी, क्या नाम है इसका, सिम्बा। तो इसने सिम्बा को मतलब इसने अपनी कैट पाल रखी है, उसका नाम है सिम्बा जो कि बहुत ही प्यारी सी कैट है, मतलब वो बिल्ला है। तो अभी जब वो आएगा ना तो इंशाल्लाह मैं उसके साथ भी शूट करूंगी। तो मैं इस छोटी बड़ा ही सीरियस मूड में बैठी हुई क्योंकि इसको कोई सॉन्ग नहीं मिल रहा रील बनाने के लिए इसको कोई रील्स बनाने के लिए ना कोई सॉन्ग अच्छे से नहीं मिल रहा है ना बेटा, यही बात है। हाँ, यही बात है, यही बात है। एक सॉन्ग मिला और बड़े ही बुरे एक्सप्रेशन दे रही थी तो ये भी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे और जैन तो खैर आए हैं आपसे पहले भी, लेकिन बच्चे ना सारे मतलब बच्चा पार्टी स्पेशल इसलिए आए क्योंकि रुखसार के पास में बहुत प्यारी प्यारी सी कैट्स हैं और जो इसका है वो सिम्बा वो ऊपर चला गया, वो किसी वजह से ना आ नहीं रहा, शायद वो डर रहा है यहाँ पे। डब्बू आपने डरा तो नहीं दिया उसको? नहीं डरा तो नहीं दिया था, परेशान नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। और रुखसार है किचन में, पता नहीं क्यों गई है किचन में, वैसे मुझे पता भी है कि क्यों गई है किचन में तो अभी अभी आएगी तो मैं शूट करूंगी। जैसे कि मैं बता रही थी कि रुखसार किचन में है और वो क्यों गई है वो मैं बता देती हूँ कि इसकी हरकत देखिए आप कि इतना ज़्यादा इसने इंतज़ाम कर रखा था पहले से ही, फालतू में परेशान हो गई। और सबसे मेन चीज़ जो है ना आज इस नाश्ते में वो है ये ये है वाइट सॉस पास्ता जो कि इस प्यारी सी बच्ची ने बनाया है और मेरे लिए एक सरप्राइज भी है जो कि इस प्यारी सी बच्ची ने रख रखा था। वो मैं एकदम से चौंक गई क्योंकि मैं बता रही थी आपको कि मेरी 100K की पार्टी में मैंने इसको इनवाइट किया था और ये आई नहीं, तो इसने मेरे लिए केक मंगा रखा है पहले से ही। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको भी कट करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है नाश्ता सर्व और जैन को देखो जरा जैन पक्का क्या कर रहे हो जैन, ये भी बैठो शो ना, बैठ के खाते हैं ना मेरे बच्चे, बैठ जाओ, ओए वहीं पे बैठ गया मेरा बच्चा जेबा। हम्म, बैठो। तो गाइस हालत खराब हो गई है हमारी, इसने इतना सारा नाश्ता मंगवा लिया था ना यहाँ पे कि बहुत बुरी हालत हो गई हमारी खा खा के। और अभी भी ना ये बहुत सारा बचा हुआ है और ये बहुत ज्यादा जिद कर रही है कि मैं ये खाऊं। तो अभी बची है दही बड़े बचे हैं अभी और क्या है टिक्की, ये है आलू की टिक्की जो होती है ना वो, तो अभी ये भी बची है और अभी केक कट का भी सीन है माशाल्लाह से, अभी हम लोग केक कट करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजा आएगा तो
तो केक कट के ना हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक कट हो गया और अब मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है ज़ेन। इनकी भोली शक्ल पे बिल्कुल भी ना जाएं आप। हेलो भाई, वो चौक पे तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। और ये रहा हमारा केक, सब कुछ मेल्ट हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। बाय कर रहे हो क्या? सोना भी ब्लॉग का एंड नहीं हुआ ना, घुटने में दर्द हो, किसी कर दो किसी। तो गाइज अब बहुत देर हो गई है और अब हम घर जा रहे हैं, है ना? घर जा रही हूँ मैं। तो हमने बहुत अच्छे से सब कुछ खा लिया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू बच्चा इतना सब कुछ इंतज़ाम करने के लिए। और अच्छा लगा तुझे मैं आई आज? बहुत। आप लोग मेरे दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि वो डिज़र्व करती है उसकी मेहनत को। आप लोग बुरे कमेंट्स मत किया कीजिए, बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। लोग उसको सोचते हैं गलत, मगर ऐसी नहीं है, वो नेचर की और दिल की बहुत अच्छी है। मैं इसके साथ 14 इयर्स से हूँ, तो आप सोच सकते हैं मैं इसे कितना जानती हूँ, इसलिए आप इसको बहुत प्यार दीजिए। 14 ईयर हो गए हैं मैं, माशाल्लाह से, है ना? अल्लाह ताला हम दोनों को ऐसे ही साथ रखे हमेशा। और सोना आप आ गए बीच में? हाँ। क्या बोल रहे हो? आप भी कुछ बोलोगे? हाय कर दो। हाय। ये बड़े हो गए ना पॉलिटिक्स में जाएंगे, मुझे लग रहा है इनको बड़ा ही नेता बनने का शौक हो रहा है, हर किसी को हाथ हो रहा है इनका ऐसे करके। आ जाओ सोना, चलो बस। तो गाइज अब हम निकलते हैं यहाँ से। नानिश को कॉल कर दी है मैंने, वाइफ भाई को भी कॉल कर दी है, छोटी कॉल कर दी सबको। तो ये लोग आ रहे हैं लड़के हमें लेने के लिए। इंशाल्लाह मैं घर जाके फिर ब्लॉग एंड घर जाके करूँगी इंशाल्लाह। तो गाइज हम जा रहे हैं नीचे, लड़के लोग आ गए हैं, नानिश और वाइफ भाई। और ठीक है, अपना ध्यान रखिए अच्छे से मेरा बच्चा। आओ रीबा, आ जाओ मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। चलो सब अपना ध्यान रखना, है ना? ठीक है, बाय। तो गाइस हम घर पे आ गए हैं और बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी खाली बैठने से भी थकान हो जाती है। लेकिन ज़ेन ने तो आज हद कर दी, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे वहाँ पे दानिश की इतनी याद आ रही थी ना, क्योंकि होता है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा कि बच्चे अपने पापा से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, हिल से जाते हैं। तो इस टाइम ना ज़ेन बहुत ज़्यादा दानिश के पीछे पड़े रहते हैं, उनको जाने भी नहीं देते कहीं बाहर, वॉशरूम
कहीं पे भी जा रहे हैं ना पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं चाहिए उनको, पापा ही चाहिए। और जब वो घर में नहीं होते ना तो फिर मेरे साथ ठीक होते हैं। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज कि या तो मुझे जाना नहीं चाहिए था या फिर मुझे जैन को लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि बड़ा परेशान कर रहे थे वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा। मुझे आदत नहीं है इस तरीके की, क्योंकि माशाल्लाह से तीनों ही बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेरे मासूम से हैं। कभी मुझे जैद ने भी परेशान नहीं किया, कभी मुझे दावर ने भी परेशान नहीं किया, और जैन भी माशाल्लाह से कभी भी परेशान नहीं करे। लेकिन अभी उनकी डाढ़ भी निकल रही है तो इस वजह से थोड़े से चिड़चिड़े से हो रहे हैं वो। तो मैं किसी और चीज़ में नहीं थकी, बस मुझे जैन ने थका दिया बहुत ज़्यादा, बहुत रो रहे थे वो। तो गाइज़ आज का व्लॉग आया हो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बस मैं और क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं रुखसार के घर पे गई थी, उससे मिली। उसकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ही चल रही है, थोड़ी ख़राब सी चल रही है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी से आ नहीं सकती थी मेरे पास, तो इसलिए मैं उसके पास गई उससे मिलने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। और उसने इतना अच्छे से इतना ज़्यादा वाला इंतज़ाम कर रखा था ना कि बहुत ही ज़्यादा मेरे तो पेट भर गया अभी भी। इतना सारा सब कुछ उसने मंगवा रखा था और साथ में उसने पैक भी करके दिया है। मुझे उसकी हरकतें देखो ज़रा, कि उसने साथ में मेरे पैक भी कर दिया बच्चों के लिए, इतना सारा केक वगैरह सब डब्बे में भर कर दे दिया। तो सबकी लाइफ में एक ऐसी दोस्त ज़रूर होती है, तो मेरी लाइफ में वो दोस्त रुखसार है। बहुत ही ज़्यादा स्वीट है मेरे साथ में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है हमारी दोस्ती, बहुत पुरानी है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपके पास भी कोई ऐसी दोस्त है या नहीं। तो गाइज़ आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आज बहुत ही ज़्यादा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए, और बस अल्लाह हाफिज़।